मैंने एक दफा टीवी के एक प्रोग्राम में मुसनद फिरदौस की एक रिवायत पढ़ दी, हवाला नहीं दिया, तो जिन जहलों ने रिवायत नहीं पढ़ी है, हदीस ही नहीं है, हदीस ही नहीं है। मुसनद फिरदौस के अंदर वो हदीस मौजूद है, अब भी मौजूद है, तीसरी जिल्द में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अगर लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते अल्लाह दोज़ख को पैदा ही ना करता। और इस हदीस की इतना चुपन हुई कि इस हदीस को पढ़ने के बाद कुफ्र हो गया। जो हदीस के बयान को कुफ्र कहे लानत उसकी मौत हो हयात पर। तो हदीस की रिवायत पे बहस करता ना, रावियों पे बहस करता, ये तो हदीस है, सिर्फ उस एक किताब में नहीं औरों में भी है। और इंशाअल्लाह एक बड़ा खूबसूरत मजमून आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। मैं उस बंदे को मुंह नहीं लगाना चाहता, वो मुझे 1,00,000 गालियां भी दे तो मैं उसे कुत्ता या गधा भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहीं कुत्ते या गधे ये ना कहें हम ज़हरा के बेअदब तो नहीं हैं। मैं तो किसी गुस्ताख ज़हरा को मुंह भी नहीं लगाना चाहता और मैं गालियां भी नहीं देना चाहता, और मैं मौला अली की पनाह में आना चाहता हूं। मौला अली फरमाते हैं मैं एक बंदे के पास से गुजरा, वो गालियां दे रहा था मुझे, मैं चुप करके गुजर गया, किसी और को दे रहा होगा। अली वाले गालियां नहीं देते, अली वालों को मौका मिल जाए तो वो औलाद मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा करते हैं। ऊंची आवाज से बोले, इस आयत का इनकार हो गया, इस आयत का इनकार हो गया, इस आयत का इनकार हो गया। जो कुरान की किसी आयत का इनकार करे उस पर खुदा की लानत हो, और जो सारे कुरान को मानने वाला हो, जो उसको मुनकरे कुरान कहे उस पर भी खुदा की नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कर रहे हैं, अगर मजबूर ना हो आप खड़ा करके करें, उस पर भी खुदा की, उस पर भी खुदा की। आज मैं एक और हदीस मुसनद फिरदौस की बयान करने लगा हूं ताकि जले तो फिर जले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बंदे तीन आते हूं ना वो मेरा कुछ लगता है ना मैं उसका कुछ लगता हूं। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाया अली का बोझ, अहले बैत से दुश्मनी, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से, अहले बैत से दुश्मनी, और तीसरी चीज जो सिर्फ कलाम को गुफ्तगू को ईमान समझे। अली का बोझ हो, फरमाया ना मेरा कुछ लगता है ना मैं उसका कुछ लगता हूं। अहले बैत का दुश्मन हो, ना मेरा कुछ लगता है ना मैं उसका कुछ लगता हूं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं किसी एक बंदे को नहीं, पूरी कायनात में अली से जलने वालों